वो सब विकी साहब पहुंच ही रहे। वो एक्चुअली उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सबका समय बहुत कीमती है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए जब तक विकी सर यहाँ पे पहुँचते तब तक हम प्रेजेंटेशन देख लेंगे। वेल इन दैट केस प्रेजेंटेशन शुरू करें। यस सर। छपरी रेडी? जी मैम। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दरअसल आज हम यहाँ सब इसलिए उपस्थित हैं कि हम आपको ये बता सके कि आपको प्रिया एयरलाइंस के साथ हाथ मिलाकर क्यों चलना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या फायदे हैं, प्रिया एयरलाइंस में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। फ्रेंड्स जस्ट हैव अ लुक, ये है प्रिया एयरलाइंस के पिछले 3 सालों का ग्रोथ चार्ट, जो साफ साफ बता रहा है कि जिन इन्वेस्टर्स ने प्रिया एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया है उनके प्रॉफिट्स डबल हो गए हैं। फ्रेंड्स मुझे यकीन है कि ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद प्रिया एयरलाइंस के साथ हाथ मिलाकर चलने में अब आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। छपरी जी मैम, ये टीवी लेके विकी सर के केबिन में चले जाओ। जी अभी लेकर जाता हूँ जेनी मैम। माय लवली प्रेजेंटेशन, मैं इसीलिए शुरू से कहता हूँ कि विक्की जैसा जीनियस कोई हो ही नहीं सकता। हाँ ब्रिलियंट। लेकिन एक बात बताओ जीनू, विक्की ऐसा भी क्या बिजी हो गया कि वो खुद प्रेजेंटेशन देने नहीं आया? सर आपने जो भी कहा ना बिल्कुल सही कहा, विक्की सर ना सच में बहुत जीनियस है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके रख लिया जाए, ताकि अगर आपको पसंद आए तो हम एक साथ अलग अलग क्लाइंट को दिखा सकते हैं। ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट। लेकिन आफ्टर ऑल विकी का भी तो आना जरूरी है ना। यू अंडरस्टैंड दैट? सर एक्चुअली विकी सर एक और प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं। एक और? हाँ, मतलब अगर ये प्रेजेंटेशन किसी क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए ना सर। क्या बात है भाई, विक्की इज रियली अ जीनियस, फैंटास्टिक। लेकिन एक काम करो, विक्की को ये मैसेज दो कि आज ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? बिकॉज आज आप सभी के लिए छुट्टी। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा कि आपने पूरे ऑफिस की छुट्टी कर दी सर? ओ शट अप बेला, मैं ये छुट्टी इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं ये छुट्टी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज मुंबई में पावर कट होने वाला है, और बिफोर कि ये पावर कट हो आप अपने घर पे सेफली पहुंच जाएं। एंड स्पेशली यू, तुम्हें अपनी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऑफ कोर्स। एंड डॉक्टर डॉक्टर, अगर आपको कुछ सीरियस लगे तो प्लीज ऑपरेट ऑन हिम, ओके? सर रहम सर। यस यस कैप्टन विला, आई तो गनूट सीरियस केस छे। ऑफ कोर्स, और बाकी सभी लोगों के लिए छुट्टी। चलो थैंक यू। चलो चलो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये टीवी के अंदर तू है विकी? अबे गधे कितनी बार कहूँ मैं तुझसे, हाँ ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ओके ओके ओके, नाराज मत हो, मैं तो सिर्फ इतना सोच रहा था कि इतने पतले से टीवी के अंदर तू गया कहाँ से? खदे बिल्कुल वैसे गया जिस तरह से तेरी नाक सारस की तरह लंबी हो गई है। अबे जादू से, जादू से। या ठीक है, नाक की याद मत दिला यार। अब थोड़ी देर के लिए प्लीज तू चुप बैठ, मुझे जीनी से बात करने दे ताकि मैं बाहर आ सकूं। जीनी जीनी जूजू, आप तो टीवी पे छा गए। बस बस बहुत हो गया, अब मुझे छायागीत की तरह और नहीं छाना है, ओके? कुछ भी करो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या सोच रही हो जूजू? वो बात ये है कि हेलो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? गड़बड़ जूजू, मैंने आज तक कोई गड़बड़ की है कि अभी कोई गड़बड़ करूंगी? हाँ आपको तो पता ही है ना मैं कितनी भोली हूँ। भोली नंबर वन है, भोली नंबर वन। दीदू मेरी प्यारी दीदू, कुछी कुछी दीदू। क्या बात है जीनू, बड़ा प्यार उमड़ रहा है हा? वो शांति के सुहाग को क्या हो गया हा? शांति के सुहाग को छोड़ो दीदू, ये देखो यहाँ मेरे होने वाले सुहाग टीवी में अटक गए, अब मैं कैसे जूजू को बाहर निकालूं? प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। क्यों करो तुम्हारी मदद में हाँ?
क्यों? अब मुझसे मदद मांगने के लिए क्यों आ रही है? मैं तो बड़ी हूँ, बड़े होने का फायदा उठाती हूँ, अब क्या हो गया? हाँ, और जीनू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू लोगों को धमकाती फिरती है, गुंडी कहीं की? मैंने किसको धमकाया? मैंने किसको धमकी है? राहुल ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और जीनू ये बहुत गलत बात है। वो दीदू, वो ना, वो तो मैं राहुल के साथ ऐसे ही मस्ती कर रही थी जैसे आप और मैं मिलके जूजू के साथ मस्ती करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, नथिंग सीरियस, नथिंग सीरियस। जीनू, ये मस्ती एक दिन तुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। पड़ गई, बहुत महंगी पड़ गई, और वो भी मुझे पड़ गई। हेलो प्लीज सीता गीता, आपस में ये लड़ना बंद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हेलो छुटकी, तू तो अपने आप को बहुत अकलमंद समझती है ना, तो ठीक है तू ही इसको निकाल ले, और याद रखना मेरे पास मदद मांगने के लिए मत आना, समझी? ठीक है, तो मुझे भी आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, चाहे मेरे जूजू जिंदगी भर टीवी में अटके रहे। ओके, ऑल द बेस्ट विकी, बाय। मुझे नहीं जरूरत है। अरे जी क्या, ठीक है मैं चैनल चेंज करता हूँ, तुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। ये ना, पहले मैं बहुत दुखी था। इस गधे से मिलने के बाद और भी दुखी हो गया। जीनी जीनी, से रिमोट ले लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने घर वापस जाना है। जूजू, अब घबराइए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। किसी बात की तो घबराहट है। चुप, चलो यहाँ से। गायब? अरे बाप रे, विकी को तो जीनी बचा लेगी, लेकिन मेरी ये लंबी नाक कौन ठीक करेगा? ऑफ कोर्स जिया, चल के उसको मस्का मारता हूँ, शायद मान जाए। ऐसे अगर ऑफिस से बाहर निकला तो लोग मुझे जू में डाल देंगे, सारस के साथ पिंजरे में कैद कर देंगे। टिकट लगाएंगे, टिकट। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आइए आइए, देखिए नया प्राणी आया है, वेलाकियो, आइए आइए वेलाकियो। अरे बाप रे, ये क्या सोच रहा हूँ मैं। जिया, अरे ओ शांति का सुहाग, थोड़े देर शांति से बैठो और ये सोचो कि तुम्हारे इस जादू का तोड़ क्या है। हाँ सोच रही हूँ, सोच रही हूँ। क्या सोचा? अरे रुको, सोचने तो दो। जूजू, एक काम करती हूँ, खबरी जिनको बुलाती हूँ। सोच सोच के भी क्या सोचा? वाह, चुप। बोलो जीनी, मुझे क्यों बुलाया है? खबरी चिन, गलती से मैंने जूजू को टीवी के अंदर भेज दिया, अब मेरी समझ भी नहीं आ रहा है कि जूजू को बाहर कैसे निकालूं। प्लीज मेरी मदद करो। ये जादू बहुत बेजोड़ है, इसका नहीं कोई तोड़ है। प्लीज अब जूजू की तरह आप भी लेक्चर मत दो, बताओ ना इसका क्या तोड़ है। अब इसका तोड़ तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, अब मुझे बुला लिया है तो सुन लो कि जो भी सोचना है जल्दी सोचो। हाँ। और भूल कर भी टीवी बंद मत करना, क्योंकि अगर ये टीवी बंद हो गया तो तुम्हारा ये जूजू टीवी बंद होते ही हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्या? अरे हेलो, लेकिन मैंने तो खुद आज न्यूज में सुना है कि आज पूरे मुंबई की लाइट जाने वाली है। तब तो बच्चों, लाइट गुल होते ही तुम भी गुल हो जाओगे, वो भी हमेशा के लिए ऐसे। जीनी, ये बहुत मुश्किल घड़ी है, सामने मुसीबत खड़ी है, जल्दी से कुछ करो वरना अगर बिजली चले गई ना तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। जूजू, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, धरती नीचे से ऊपर चली जाए, आसमान फट जाए और पाताल पिघल जाए। यार ये कितना बोलती है, चुप करो जीनी, चुप करो, वरना जिनलैंड जाके तुम्हें जूजू की कहानियां सुनानी पड़ेगी। एक था जूजू। जूजू ऐसा मत कहिए, वरना मैं रो दूंगी। अरे जल्दी कुछ करो जीनी, वरना रो दूंगी नहीं, खो दूंगी हो जाएगा। जूजू, अपने प्यार की पाठशाला को मैं कभी बंद नहीं होने दूंगी, मोहब्बत की मोमबत्ती को कभी बुझने नहीं दूंगी।
आप घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं सोचती हूँ। इसी बात की तो घबराहट है। जूजू, ऐसे सीरियस टाइम पे भी आपको मजाक सूझ रहे? आप चुप बैठो और मुझे सोचने दो। अच्छा जूजू, एक बात बताओ, लाइट जाने में और कितना टाइम बाकी है? अरे ये तो न्यूज रीडर विक्की से पूछना पड़ेगा। अच्छा तो आप जाओ, मैं बुलाती हूँ। बाय। जूजू कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, कभी एक्टिंग नहीं कर पाएगी लाइफ में। लेकिन हमारा न्यूज चैनल देखिए, याद रखिए, ये खबर सबसे पहले आपको हमारे चैनल ने दी। आज पूरा शहर अंधेरे में डूबने वाला है और आपके पास बचा है एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा मतलब 60 मिनट, समझे? हाँ। 60 मिनट कुछ करो। अब सुनिए मौसम का हाल, क्या देख रहे हो, सुनिए। अच्छा रुको। अरे टीवी में अभी बताया कि एक घंटा के अंदर अंदर पूरे सिटी का लाइट ऑफ हो जाएगा। लोड शेडिंग? अरे तो इसमें इतना चिपने का क्या बात है बोलो? चिपने का क्या बात है बोलो मने? अगर करंट नहीं होएगा तो हम अपना फेवरेट सीरियल कैसे देखेगा? पता है आज राज और शीतल मुखोमुखी आएंगे आमने सामने। राज कौन? शीतल चुप करो। ऐ देखो चतुर, आज अगर हम अपना सीरियल नहीं देख पाएंगे ना तो आज हम खाना नहीं बनाएंगे। हैं बोले दिलाम। अरे दनन, तो हम खाना बनाएंगे, हम कुछ करेंगे, तुम चिंता मत करो, हम कुछ करता है जिससे तुम अपना सीरियल भी देख सकता है और हम अपना सीरियल भी खा सकता है। क्या करेगा? अरे अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और की है, है। लेकिन दिमाग तो है नहीं। नॉनसेंस, हमारा बात मानो। चतुर एक तो जेनरेटर लेकर आओ, जाओ तारा-तारी हमारा सीरियल मिस हो जाएगा, जाओ। ये आइडिया अच्छा है, ठीक है हमारे साथ रहते रहते अच्छा आइडिया आ जाते हैं। अरे जाओ ना, हमारा सीरियल मिस हो जाएगा। Hi my desi boy. Excuse me please. You is please saying हम काम कर रहे हैं, मीज बिजी डूइंग मी वर्क। देख रही हूँ, तभी तो पूछ रही हूँ। तुम्हें घर नहीं जाना है? क्यों? आपको हमारे घर जाने से क्या मतलब? बहुत मतलब है, पावर कट होने वाला है, अंधेरा हो जाएगा। वैसे ऐसे रोमांटिक टाइम पे अगर तुम घर नहीं जाना चाहते तो मैं भी यहीं रुक जाती हूँ तुम्हें कंपनी देने। कंपनी देने? किस खुशी में? हमारी क्या एंगेजमेंट होने वाली है? नहीं होने वाली है तो कर लो एंगेजमेंट भी और शादी भी मुझसे। ओ बजरंग बली, लेकिन यू क्रेजी लेडी, हम आपको 55 टाइम बोल चुके हैं कि हम आपसे शादी तो क्या, शादी की आदि भी नहीं करने वाले। यू अंडरस्टैंड ऑन मी? मैं तो बस ये पूछने के लिए आई थी कि पावर कट होने वाला है तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो और ऐसे क्यों बैठे हो? हम यहाँ बैठे तो पावर कट हो या समस्या भी कट हो, हम यहाँ से अपना काम खत्म किए बिना नहीं उठेंगे, चाहे हमें लालटेन जलाकर काम क्यों ना करना पड़े, क्योंकि हमारा प्रमोशन का सवाल है। और जहाँ हमारा प्रमोशन का सवाल है, हम न देखते हैं दाएं न देखते हैं बाएं, आज भी काज हमें देसी बाय। मी सारी। कोई बात नहीं। ओहो, वैसे मेरे होते हुए तुम लालटेन में काम क्यों करोगे? हाँ क्योंकि मैं हूँ जिया, तू सोचा वो किया। ये लो राहुल कैंडल्स, लालटेन तो आउटडेटेड हो गई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही रोमांटिक सिचुएशन हो गया। कैंडल लगाती है, हमारे पास काम करने के लिए ये कैंडल्स नहीं चाहिए। यू प्लीज टेकिंग एंड यू गोइंग। ये लो लालटेन और काम शुरू कर दो चाचू। यू नो कॉल मी चाचू, मी नो चाचू। बोलूंगी चाचू 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 चाचू। यू नो इज कॉल मी चाचू, आई विल कॉल यू चाचा जी। यू नो कॉल मी चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, जी जी। मुझे इस नाक से छुटकारा दिलाओ प्लीज। अरे जिधर देखो अड़ जाती है, अड़ जाती है।
बिग नोज पिनोचियो। जूनियर तू बहुत बोले लगा बीच में, तुझे ना मैं बिग पंच दूंगा, बता रहा हूँ। बेला बेला तुम फिर से आ गए, तुम्हारा क्या करूं मैं? अरे मेरा कुछ मत करो, लेकिन इस नाक का कुछ करो। ये नाक ना बहुत खतरनाक है यार। Actually, big big nose बहुत खतरनाक। फिर बोला, तुझे ना मैं नाक से मारूंगा। बेला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बिजी बॉय के साथ बिजी हूँ। तुम कहीं और जाओ। अरे सुनो तो। अब आप ही जाइए। वो तो ऐसे आ गया था हमारे रोमांस के बीच में। चलो हम बातें करते हैं। देखी तो शुरू कैसे होता है मेरी, जरूर छोड़ो ना पुराना टेक्निक। चतुर आगे, ये जनरेटर है कि ड्रम? ना माने वो ही मैंने की। चतुर देखो आगे, आज अगर तुम्हारा ये बाबा आदम के जमाने का खटारा जेनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो देखना देखना हम क्या करेगा, देखना तुम्हें बस। ना मैंने क्यों स्टार्ट होवे ना, दुगा होएंगे स्टार्ट जरूर होंगे, बस पता लग जाए के मैंने कैसे स्टार्ट होंगे। और दुगा तुम इसको बाबा आदम के जमाने का खटारा मत बोलो, हैवंट यू हर्ड, गोल्ड इज गोल्ड माय रे। शुरू होएंगे, बस पार्ट मिल जाए कौन सा शुरू करना है। ए ए दुगा, ए तो है हैंडल, ऐसे देखो अभी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 क्या अबे 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 1 2 3 क्या ए बार अबे अबे जय दुगा। काश मैं ये पहले समझ जाता रागिनी, कि जैसे मैं अपने मन मंदिर की देवी समझ रहा हूँ, वो किसी और के आंगन की तुलसी है। जिनी, जिनी, what is this यार? मुझे यहाँ से निकालो जिनी। अबे विकी, तू अभी तक टीवी के अंदर ही है। अबे गधे, तू भूल गया? मैंने तुझे कहा था ना कि मैं यहाँ टीवी में फंस गया हूँ। वाह बेटा, गधा मुझे कह रहा है और गधा पना खुद दिखा रहा है। तेरे में भेजा नहीं है क्या कि किसी ने तुझे टीवी के अंदर भेजा और तू चला गया? कल को तू मोबाइल के अंदर चला जाएगा, परसों वीडियो गेम के अंदर चला जाएगा। क्यों? देलू मेरे जूजू को मत डांटो, इसमें जूजू की क्या गलती है? जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, तो जो कहना है मुझसे कहो। और तो और तुम्हें पता है 1 घंटे में पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। तो क्या हुआ, लाइट चली जाएगी तो मोमबत्ती जला लेंगे, फिर टीवी से बाहर निकाल लेंगे। तुम तो कुछ भी कर सकती हो। अबे गधे तेरा दिमाग खराब हो गया, अगर लाइट चली गई ना तो टीवी बंद हो जाएगा, अगर टीवी बंद हो गया ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। जिनी ये क्या है? जिनी व्हाट इज दिस? व्हाट? लेकिन इसका कोई तोड़ तो होगा। बेलू, अगर इसका तोड़ होता तो क्या मैं अपने जूजू को टीवी के अंदर फंसे रहने देती क्या? जिनी व्हाट इज दिस यार, मुझे यहाँ से निकालो। जिनी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.